Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का 6th लेसन ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट 6। प्रॉब्लम सेट 6 की यहाँ पे हमने तीन पार्ट में वीडियो बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और सेकेंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। 5 क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन है और जो भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पार्ट नंबर 3 में हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6 to 10। तो आज हम करेंगे पार्ट 1 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वह नेक्स्ट वीडियो में हम करके देंगे। यहाँ पे जितनी भी वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से उसे देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली एजुकेशनल मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला हमारा दिया है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि साइन थीटा को अगर हम अपोजिट लेते हैं तो 1/cos आएगा, कॉसेक आएगा और कॉसेक कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, फार्मूला भी एक तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है। तो कॉसेक 45 की वैल्यू हम निकालते हैं तो आएगा यहाँ पे √2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 है 1 + tan² θ इज इक्वल टू क्या होता है, sec² θ। यह हमारा आइडेंटिटी का एक फार्मूला है, 1 + tan² θ इज इक्वल टू क्या होता है, sec² θ। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन वी सी ए हायर लेवल, जब हम किसी हायर लेवल पे देखते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल फॉर्म इज, वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम ऊपर देख रहे हैं तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इस तरह हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 11/61 फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करना है, साइन वाला, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन के साथ में एक है sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/61 एंड वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा, अपने को कॉस थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए आइडेंटिटी हम लिखेंगे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको पता ही होगा, sin²θ + cos²θ इज इक्वल टू 1, ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। चलिए हो गया, साइन थीटा की वैल्यू दी गई है। देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 11/61, सो हियर विल पुट 11/61 का स्क्वायर प्लस cos²θ इज इक्वल टू 1, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 61 का कितना होगा, 61 × 61 3721 प्लस cos²θ इज इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसके यहाँ पे प्लस उससे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस cos²θ इज इक्वल टू 1 माइनस 121/3721। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसका पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद सॉल्व किया जाता है ना, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, cos²θ इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 3721 माइनस 121/3721 cos²θ इज इक्वल टू, अब माइनस कर देना है, माइनस करते हैं इसको तो आएगा 3600/3721। हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, cos θ इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, मतलब यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 × 60 करेंगे मतलब कितना आया है 3600, और एक किसका है 61 का है। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, कॉस की वैल्यू आ गई हमारी 61/61। यहाँ पे कॉस थीटा हमारा आ गया, यहाँ पे क्या दिया था, साइन थीटा की हेल्प से हमने क्या निकाल दिया, कॉस थीटा निकाल दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है
इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज़ करना है कि दूसरा कोई मेथड यूज़ करना है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ करके कर सकते हैं, या तो दूसरा एक ट्रायंगल बना करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेन की वैल्यू पुट करके अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वहाँ से हम ट्रायंगल का जो साइड से फाइंड करके आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों तरीका आपके लिए इजी है। तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है उसके हेल्प से बताऊंगा क्योंकि और बेटर है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के सारे फॉर्मूलों को हमें पता है। तो हम यहाँ पे टेन थीटा लिख देते हैं, कितना दिया है, टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा दिया है कितना, टू। अब टेन का देखिए जो आइडेंटिटी है किसके साथ में है, सेक के साथ में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही हमारी आइडेंटिटी है। यहाँ लिखना चाहे तो लिख देते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, इसी की हेल्प से हम ये वाला करने वाले हैं। चलिए अभी वन की जगह वन रहने देते हैं, टेन, टेन की वैल्यू कितनी दी गई है, टू, मतलब टू का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टू का स्क्वायर टू टू जाए कितना हो जाएगा, फोर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस फोर इट विल बी फाइव, फाइव इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो सेक थीटा विल भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट फाइव। ये हमारा सेक थीटा आ गया, एक रेशियो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब सेक फाइंड कर दिया और सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस, तो कॉस भी निकल जाएगा आराम से, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा। वन अपॉन सेक कितना था हमारा, रूट फाइव था। सो हमारा यहाँ पे कॉस भी हमने फाइंड कर दिया, कितना आसानी से हो गया, दो रेशियो हमने निकाल लिया। अब अदर जो रेशियो निकली है उसको निकालते हैं। अब देखिए कॉस आ गया तो कॉस के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो उसको हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ पर लिखना चाहे लिख देते हैं, ये क्या हमारी है आइडेंटिटी। चलिए साइन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कॉस की वैल्यू क्या रखेंगे, वन अपॉन रूट फाइव लिख देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस वन अपॉन रूट फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन का स्क्वायर वन होता है, रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली फाइव इज इक्वल टू वन। इसको यहाँ से उस साइड भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस उस साइड आएगा तो माइनस, क्योंकि साइन की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन फाइव, फाइव के यहाँ पे इंटू करेंगे, फाइव वन जा फाइव, फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, फोर, फोर अपॉन फाइव। ये हमारा साइन का स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू फोर का रूट कितना होता है, टू, टू अपॉन रूट फाइव। ये हमारा साइन भी आ गया। देखिए तीन रेशियो आ गई है, सेक आ गई है, कॉस आ गया है, साइन आ गया। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, वो भी निकल जाएगा। लिखिए यहाँ पे हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, वन अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, टू अपॉन रूट फाइव, तो कितना हो जाएगा, रूट फाइव अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, कॉसेक, कॉसेक थीटा भी आ गया। अब एक लास्ट बचा है कॉट, और कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का, और टेन की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी कितना है, टू है, तो डायरेक्टली हम उसको भी निकाल लेते हैं यहीं पे। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन टेन थीटा, सो वन अपॉन टू, ये हमारा क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया। इस तरह हमने जितनी भी रेशियो थी फाइंड कर दिया, पहला हमने क्या फाइंड किया, सेक थीटा जो कितना है, रूट आया फाइव, और दूसरा हमने कॉस फाइंड किया वन अपॉन रूट फाइव, नेक्स्ट हमने फाइंड किया साइन थीटा टू अपॉन रूट फाइव, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट फाइव अपॉन टू, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो यहाँ पे हमने जितनी भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी फाइंड कर दिया, इस तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको हम दूसरे मेथड से भी आपको करके बता देते हैं, जो आपको इजी लगे वो मेथड आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं दूसरा मेथड भी समझा देता हूँ। आप देखिए टेन थीटा दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेंगे, अपने मन से एक ट्रायंगल ले लेते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल लेना, हमें नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दे दिया नाम ए बी सी, जिसमें बी कितना है, 90 है, और यह सी कितना दिया है, थीटा दिया, बस इतना ही मैंने लिया है। तो लेट लिखेंगे, लेट
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू कितना थीटा। हो गया, टेन थीटा हमारा यहाँ पे दिया था, हम टेन थीटा यहाँ से निकालते हैं। टेन थीटा हमारा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है, ए बी, एडजेसेंट क्या है, बी सी। ये हमने अपने फिगर से निकाला, जो हमने फिगर लिया था उसमें। अब यह टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी है, यह टेन थीटा टू है, अगर दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो राइट आल्सो विल बी इक्वल। सो देयर फोर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टू, लेकिन टू अपॉन वन लिखते हैं बिकॉज यहाँ पे रेशियो अपॉन में दिया है, तो यहाँ पे वन ले लेते हैं। अब हम एज्यूम कर लेंगे ए बी की वैल्यू टू है और बी सी की वैल्यू कितनी है, वन है, लेकिन इसके साथ में कोई ना कोई एक मल्टीपल लेना पड़ता है, तो हम क्या ले लेंगे, के। लेट ए बी इज इक्वल टू टू के एंड बी सी इज इक्वल टू वन के, नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखें, ओनली के। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी हमारा कितना है 2k और यह कितना है, ओनली k है। अब हमें इस ट्रायंगल में देखिए एक साइड आ गई, दूसरी साइड आ गई, लेकिन हाइपोटेनस फाइंड करना है। हाइपोटेनस अगर निकल जाएगी तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड आ जाएगी, और तीनों साइड आ गई तो हम जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का उसको लगा करके सारी रेशियो निकाल लेंगे, लेकिन तीसरी साइड जरूरी है, तीनों साइड होना जरूरी है। अगर सपोज करिए यह दिया होता है, यह दिया तो यह निकालते, कोई ना कोई एक साइड नहीं होती तो उसको हम निकाल देते हैं कैसे, पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी हमारा कितना है 90 डिग्री है, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा कितना है यहाँ पे, ए सी नहीं दिया है, ए सी तो हमें फाइंड करना है। दूसरा ए बी कितना दिया है 2k, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर वन टाइम, k स्क्वायर फोर टाइम, इट विल बी फाइव टाइम, 5k स्क्वायर। यह क्या हमारा आया, ac का स्क्वायर, लेकिन हमें क्या लेना है, रूट लेना है। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो ac इज इक्वल टू रूट 5k आ गया, ac की वैल्यू भी आ गई, लिख देंगे यहाँ पे रूट 5k आ चुका है, तीनों साइड आ गई। अब हम आसानी से जो रेशियो बचा हुआ है उसको निकाल लेते हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा यह है, इसके अपोजिट कौन सी है, ए बी। ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है 2k और ए सी कितनी है रूट 5k। k से k कैंसिल, कितना आ गया 2 अपॉन रूट 5 आ गया। नेक्स्ट कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी कितनी है, के अपॉन रूट 5k। के से के कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन रूट 5। नेक्स्ट टेन, टेन जो दिया ही है कॉट निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट कौन सी है, बी सी, और अपोजिट कौन सी है, ए बी। बी सी कितनी है 1k और यह कितनी है 2k। के कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट सेक थीटा। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस क्या है, ए सी, और एडजेसेंट क्या है, बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है रूट 5k अपॉन 1k। के कैंसिल, क्या बचेगा ओनली रूट 5। एंड लास्ट हमारा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस क्या है, ए सी, अपोजिट क्या है, ए बी। ए सी कितना हमारा है रूट 5k अपॉन 2k। फके के कैंसिल हो जाएगा रूट 5 अपॉन 2, रूट 5 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमने तीनों जितनी रेशियो बची थी सब रेशियो निकाल दिया, साइन निकाला, कॉस निकाला, कॉट निकाला, सेक निकाला और कॉसेक निकाला। इस तरह हमने यहाँ पे दूसरा मेथड से भी आपको ये समझा दिया है। आपको जो भी मेथड ईजी लगे उस मेथड से आप इस सब को कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर जो फोर हमारा है इस तरह है, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो पिछला क्वेश्चन नंबर थर्ड केस है में भी ऐसा ही है, इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके, या तो दूसरा मैंने जो बताया था आपको ट्राइंगल की हेल्प से। तो ट्राइंगल की हेल्प से मैं ये करके बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर आपको लगे तो आप इसको खुद ही ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है sec थीटा हमारा, हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ध्यान देंगे आप। इसमें एक एंगल
90 होना चाहिए और एक एंगल क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ हमारा एंगल में। तो इसका नाम लेते हैं हम ए बी सी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे सेक थीटा दिया तो हम भी अपना सेक थीटा निकालते हैं। हमारा सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे लिखा नहीं है हम, यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस कौन सी है ए सी, एडजेसेंट कौन सी है बी सी, हो गया। यह भी सेक थीटा, ये भी सेक थीटा, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट आल्सो विल बी इक्वल। सो देयर फोर ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू आ गया 13/12। अब रेशियो में आ गया, तो रेशियो में आ गया तो उसको एक कॉमन मल्टीपल लेकर के हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे लेट ए सी इज इक्वल टू 13k एंड बी सी इज इक्वल टू 12k। बचा क्या हमारा, अभी देखिए ए सी हम लिख देते हैं यहाँ पे 13k और ये कितना 12k, बचा क्या हमारा ए बी, क्योंकि ए बी आएगा नहीं तब तक हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं निकाल पाएंगे, इसमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ए वाली साइड नहीं पता है, उसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितना है 90 डिग्री, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है ए सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू दी गई है कितना है 13k, तो 13k का स्क्वायर ए बी हमें फाइंड करना है, प्लस बी सी कितना है 12k का स्क्वायर। अब यहाँ पे 13k का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहाँ पे लिखेंगे 169k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड करना है और बी सी की वैल्यू कितनी हो 12 का स्क्वायर कितना 144k का स्क्वायर। अब ए बी को निकालना तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसका प्लस इस साइड आया तो माइनस, मतलब क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब माइनस कर लीजिए कितना आएगा 25k स्क्वायर, लेकिन हमें ए बी की वैल्यू चाहिए स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5k। अब देखिए हमारा ए बी आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं 5k, तीनों वैल्यू आ गई है। अब आसानी से जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड कर लेते हैं। पहला हम क्या फाइंड करते हैं साइन, लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट हाइपोटेनस, अपोजिट कौन सी है ए बी, हाइपोटेनस कौन सी है ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 5k और इसकी कितनी है 13k, के से के कैंसिल क्या आ जाएगा 5/13। दूसरा कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, कॉसेक लिए हमने कॉस लेना चाहिए था, चलिए कॉस ले लेते हैं तो और बेटर रहेगा, आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या नाम क्या है बी सी और हाइपोटेनस कौन है ए सी, ये कितना है 12k अपॉन 13k, के कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा 12/13, ये भी हो गया। नेक्स्ट कॉट, कॉट ने टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन है ए बी, एडजेसेंट कौन है बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 5k और बी सी कितना है 12k, के कैंसिल क्या आ गया 5/12। नेक्स्ट cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट कौन है बी सी और अपोजिट कौन है ए बी, 12k/5k, के कैंसिल क्या आ जाएगा 12/5। नेक्स्ट लास्ट वाला हमारा है cosec, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनस क्या है ए सी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी कितना है 13k और अपोजिट कितना है 5k, के कैंसिल हो गया 13/5। तो यहाँ पे देखिए हमने जो दूसरा मेथड था उसको यूज़ करके यहाँ पे sec थीटा दिया था 13/12, हमने यहाँ पे जितनी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी फाइंड कर दिया, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1-4 था पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।